नमस्ते, प्रणाम, जय सियाराम। हम हैं आपके दोस्त हिमांशु श्रीवास्तव भानु भैया, और हमारे साथ हैं कोमल बहनी। नमस्ते। सब पंचन का हमारे दो जनों की तरफ से राम राम। कोमल बहनी का हाल चाल है? भैया बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और आज है रक्षाबंधन, तो सब पंचन का रक्षाबंधन के ढेर सारी बधाई। खूब सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सब भैया बहनों का। बहुत बहुत खूब बधाई हमारे राखी बनवाओ, अच्छा अच्छा तोहफा दियो, खूब मिठाई खाओ। बिल्कुल तोहफा पे तोहफे उबे करवे। उससे पहले सब जन का बधाई, और बधाई के साथ साथ संदेश यह कि रक्षाबंधन पर कोशिश करो कि देसी घर के बनी हुई मिठाई का सेवन करो। बरसात है, गर्मी है, और वह के साथ साथ प्रकृति तो खैर अपन बरसात और गर्मी या होबे करे या तो एक प्रक्रिया आए, लेकिन जौन राक्षसे बैठे हैं, भ्रष्टाचारी बैठे हैं, जौन मिलावटखोर बैठे हैं, उनसे भी बचप जरूरी है। वही चार दिन के बनी मिठाई, और कोमल बहनी अगर वह से बच हो ना, तो चार दिन की बनी मिठाई तो छोड़ो। हाँ। मिठाई में दूध के अलावा मावा, बाकी सब कुछ रहा था, पता नहीं क्या क्या रहा था, कौन केमिकल रहा था, तो पहचान ना पाइयो। हाँ। लेकिन खाएगा दो घंटा बाद समझ में, एक दिन बाद समझ में आई। हाँ, पेट में जब गुड़गुड़ गुड़गुड़ होए फिर लेके भगियो। तो यही वजह से कौन बनी, हम तो ये बता, हम का सावधान रहो, घर पे बना लियो। और का बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, दूध मंगाओ, खोवा आउटो आउटो आउट के बर्फी जमाओ, और ना कुछ मौका पाओ तो फिर घरे उन्हें खीर बना लियो, सेवई बना लियो, पुआ बना लियो, कुछ बना लियो, कुछ मिला के सड़ी गली मिठाई ना खाओ। हाँ, बार बताई थे यह बात हम, ना खुद खाओ और ना अपने नाते रिश्तेदारों ने खाओ। देखो कोमल बहनी आई है, कोमल बहनी खातिर स्पेशल हम घरे जो है घर के बनी हुई शुद्ध मिठाई, घर के बना हुआ शुद्ध भोजन इनका करावा है। स्वास्थ्य के बहुत ध्यान रखा था हमें सबके, अपने रखा था हमें सबके रखा था। भीगा बादाम और चना खवाए, हम चाहे थे जन जन के स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। हमारी यह मुहिम है कि अपनी अवधि बोली बानी के वजह से, अपनी बोली बानी के माध्यम से, अवधि बानी के माध्यम से लोगन का अपनी भाषा में ही जागरूक करे कोशिश की थी। हाँ भैया, आज भैया एक रक्षाबंधन के साथ रहते, एक और बात हमें मन में है। बिल्कुल, आज ये फिर से एक आध बार और ये बात चर्चा हो चुकी है हमें वीडियो पे, लेकिन आज फिर से एक नवा मुद्दा आएगा। वहाँ रक्षाबंधन है, त्योहार है, भैया सब भैया अपने बहनों का गिफ्ट में टेडी बियर और क्रीम पाउडर के पैसा ये सब ना दियो, साड़ी दो दिन ना दियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ठीक चाकू खंजर पिस्तौल जरूर दे दियो। या मन में ही मारे विचार आवत है कि जौन तरह से आज के इस समाज में आज ये प्रवृत्ति चल रही है ना, बहनी बिटियन का, बहनी बिटियन का साजो श्रृंगार की जरूरत नहीं रही है, तो यह विकृत समाज हो गया है। यह विकृत समाज में लड़े खातिर मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हमें सबका चाहिए कि उनके मनोबल बढ़ावा जाए, बहनी बिटियन का हौसला दिया जाए, बतावा जाए कि जो न बहन हाल ही में मुद्दा चल रहा है कोलकाता वाला, बिल्कुल डॉक्टर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वह मुद्दे के बात आए। बिल्कुल डिटेल में जाए खाते बहुत ज्यादा वक्त नहीं ना, लेकिन फिर भी बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पे तो एकदम रोमा खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, और गुस्सा के मारे दिमाग खराब हो जा रहा है लड़कियन का, ऐसे स्कूल पढ़ाओ जहाँ कराटे मार्शल आर्ट सब कुछ सिखावा जाए। और साथ ही साथ देखो, हम ये कही थे कि ठीक है स्वाभिमान और आत्मरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम अपने भाई बंधु से भी आग्रह करे थे, निवेदन करे थे, खास तौर पर हमारी उम्र के और हमसे छोटे जो भाई लोग हैं या हमसे बड़े जो लोग हैं, उन सब से हम निवेदन करे थे कि देखो अगर एक सभ्य समाज बनी हो तो वह जो सभ्य समाज है वह आने वाले समय में वह चीज़ तुमका लौट के दे। कहे का मतलब यह है कि अगर तुम दूसरी के बहनी बिटियन का गलत नज़र से देखी हो तो आने वाले समय में तुम्हारे बहनी बिटिया वही के शिकार हुई हैं और उनके साथ भी दुर्व्यवहार हो ही सकता है। तो सबसे पहले तो निवेदन ही है कि अगर आपके सामने कहूँ गलत हो रहा है, कोहू के साथ हो रहा है, चाहे आपके बहन बिटिया हों चाहे दूसरे के हों कोह के हों, वही का तुरंत वही पे आपत्ति जताओ, वही का भरसक प्रयास करो कि वही का रोका जाए। ध्यान रखें कि एकता में बहुत ताकत होता है। बाद में मोमबत्ती जलावे से कोनो फायदा नहीं है, एक जान चली जाता है, कोनो फायदा नहीं है मोमबत्ती जलावे से। बिल्कुल ठीक है, मार्च निकल रहे हैं, रैली निकल रहे हैं, उस साइड पे अगर कोनो मान लो कोनो एविडेंस रहा तो है, कोनो विटनेस रहा तब बम बंद के बैठे रात नहीं बोलते। बिल्कुल, और साथ ही साथ प्रशासन से, भारत सरकार से और पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जो लोग यह वीडियो देखते हैं और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो भी मानवाधिकार मिशन वाले हैं, सबसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे कुकृत करे वाले राक्षसन का
सरेआम सजा दी जाए, ताकि वह सजा जौन है वह दुनिया के सामने एक नजीर बन जाए, एक चौराहे पे गला काटा जाए। हाँ, मतलब कहा कि मतलब यह है कि संवैधानिक तरीके से उनका सजा दी जाए और वह सजा लोगन के बीच में नजीर हो जाए, ताकि भविष्य में कोनो ऐसी घटना दोबारा ना घटे। निर्भया फिर वही के बाद में ना जाने कितनी निर्भया ऐसे काल के गाल समाए गई और उनके ये साथ तो ऐसे केस है जो उभर गया है और जो नहीं उभरे, जो हर दिन हर घंटा हो रहे हैं उनका का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे अगर कानून कदम उठाए में देर करे तो वह दिन दूर नहीं कि हर दिन लाशें निकलेंगी। और कौन वाली हमको लगा था कि बिटे हुए मिले, जिसे कहा जाता है कि देर में मिला हुआ न्याय वह न्याय नहीं खिला, बेकार है वो, बेकार हो, बेकार है। और तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यह मुद्दे पर हर व्यक्ति का सामने आवे की चाहिए और हर भैया बहनिन का ये चीज़ का समझे के चाहिए। अपने परिवार के सब जन का जागरूक करो, बेटियां आत्मरक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहें, उनका अपंग अपाहिज ना बनाओ बल्कि उनका झांसी के रानी बनाओ। रसोई में रोटी गोल ना बने ना चल जाए, वह की चिंता ना करो, पेट भरने हैं। बिल्कुल, लेकिन दुश्मनन से लड़े सिखाओ। बिल्कुल, गलत नजर परखे सिखाओ, पकड़े सिखाओ। बिल्कुल, तो शिक्षित करो बहन बेटियन का, आगे बढ़ाओ। रक्षाबंधन पर विशेष तौर पर हमारी आप सबसे निवेदन है, या वीडियो जो हम रक्षाबंधन पर शूट कर रहे हैं यह सिर्फ बधाई संदेश दे भर तक के लिए नहीं है, बल्कि सबसे निवेदन है कि रक्षाबंधन में अपनी बहन बेटियन का कोई जरूरी नहीं है कि तुम बहुत महंगा महंगा तोहफा दियो, लेकिन जरूरी यह है कि उनका आश्वासन दियो, उनका हिम्मत दियो, उनका आगे बढ़े की क्षमता दियो, उनका आत्मरक्षा की सहूलियत दियो, उनका आत्मरक्षा करे के उनका तरीका बताओ। इस सारी चीज़न से कहा हुई है कि वही अपने अपने खुद का, अपने परिवार का और आने वाली पीढ़ी का भी आत्मरक्षा करे के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और खुद बच सकते हैं। यही लिए समाज से निवेदन है कि आने वाले समय में दोबारा निर्भया 2, निर्भया 3, निर्भया 4 ना हो पावे। और इनके नाम है सुब्बू, हाय करो। जाओ मतलब कहा था जाओ, बहुत आएगा। ये सूर्यांश हुए और ये हमारा भतीज, ये भतीज हुए। बुआ कहाँ है? नमस्ते करो बुआ के। बुआ बड़े जो अब बड़ा कर दियो। बुआ पैसा दे हैं अब तो कोमल बहनी आई है और अपने भतीजे का जो है बहुत मयात है। तो फिलहाल हम सब यही खातिर आपका जो है ये वीडियो लेके आए हैं। कौन बहनी और कुछ संदेश देना चाहोगे? भैया आज के बहुत बड़ा संदेश यह रहा है, रक्षाबंधन के बधाई, और यह गंभीर संदेश है, बस यही पे ध्यान रखो सब लोग, बाकी हमारा संदेश तो आवाज आवा कर। बिल्कुल, और अवधि वाणी के जो मिशन है वो हम एक बार फिर दोहरा देना चाहित है। अवधि वाणी एक गैर लाभकारी संस्था के तौर पर है, यहाँ पर हमका कोनो भी तरीके से कोहू से कोनो भी लाभ के मदद की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में अवधि भाषा और संस्कृति का फैलावे के खातिर एक प्रयास करित है। हमारा नाम है हिमांशु श्रीवास्तव भानु भैया और हमारे साथ है आयुषी श्रीवास्तव कोमल बहनी। निवेदन ये है कि अगर आप भी अवधि भाषा और संस्कृति का पसंद करते हो और यही का आगे बढ़ावा चाहत हो, यही का बोले में गर्व का महसूस करत हो, चाहे आप जौन दुनिया में देख रहे हो हुआ पर, आप यह चैनल का यह फेसबुक पेज का लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो भी शेयर वर्क किन जाता वो शेयर करो, और ताकि हम ये अवधि वाणी के माध्यम से अपनी संस्कृति और भाषा का दुनिया में आगे बढ़ा सके। बिल्कुल भैया, तो वही लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बिल्कुल ठीक ठीक, तो फिलहाल कम खाओ। तो फिलहाल अब जो हम का और कोमल बहनी का दिन जाए और कहे से नहीं, अब जो है रक्षाबंधन के दिन है तो कई जगह जाए का है, तो बड़ी बुकिंग है, बड़ी बुकिंग है और जेब हमारे खाली हुई है और कोमल बहनी जो है रक्षाबंधन निपटी है, तो एक बार फिर से सब पंचन का रक्षाबंधन के ढेर सारे बहुत बहुत शुभकामनाएं हम का और कोमल बहनी का दिन जाए अनुमति। जय अवध, जय अवधि, जय जय सियाराम। जय सियाराम करो, जय सियाराम सामने, जय सियाराम करो, बोलो जय सियाराम। हाँ हाँ हाँ।